हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद अभिषा। तो आज हम आपको अपनी गाड़ी की कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, और ये है हमारा पार्किंग जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। और हमने पूरा क्लीन करके इसको कवर से ढक रखा है कि धूल से ये गंदी ना हो। तभी हम गाड़ी का कवर हटाएंगे। ये देखिए, गाड़ी एकदम चमचमाती हुई गाड़ी आपको दिख रही है। गाड़ी का कवर जो है अपोजिट डायरेक्शन में उलट के घुमाइएगा, सीधे सीधे घुमाइएगा तो आपकी गाड़ी में हल्की फुल्की स्क्रैच आ सकती है। उससे बचने के लिए आपको टेढ़े मेढ़े और उठा उठा के गाड़ी का कवर को हटाना रहेगा। देखिए गाड़ी थोड़ी चमक रही है। गाड़ी और आज गाड़ी में हम आपको इंजन बे के बारे में कुछ डिटेल्स बताने वाले हैं। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं आप, गाड़ी पूरी चमक रही है, ढकी हुई है। ओह सॉरी, हमने तो लॉक ही ओपन नहीं किया है। ये देखिए गाड़ी अनलॉक हो गई और गाड़ी जो है पूरी क्लीन है। तो अभी हम इसका बोनेट सेक्शन यहाँ से उठाएंगे। देखिए अभी हम बोनेट उठाएंगे। तो ये देखिए गाड़ी की इंजन, जिसको हमने क्लीन किया था। और क्लीन करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आपका जो ये सेक्शन है और ये जो है पार्ट, ये दो पार्ट को आपको पानी से बचाना है और बैटरी को आपको पानी से बचाना है। अब बाकी आप कहीं भी हल्का स्प्रे मार के, फोर्स में नहीं, हल्का स्प्रे मार के पूरा इंजन क्लीन कर सकते हैं। मैंने वैसा किया है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक बार नहीं, दो तीन बार मैंने इस तरीके से क्लीन किया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एकदम हल्का स्प्रे मारना है वो इंजन के साइड में जहाँ भी गंदा है, और उसको जो है आपको माइक्रोफाइबर क्लोथ से वो सबको घस लेना है। शैम्पू या कुछ भी सोप डाल के आपको उसको घस लेना है। घसने के बाद, या फिर आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा ब्रश है तो ब्रश से भी आप क्लीन कर सकते हैं। और उसके बाद हल्का सा पानी मार दीजिए और इंजन का जो बोनट है वो इस तरीके से खुला छोड़ दीजिए। और खुला छोड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद सूख जाएगा। और जब देखेंगे कि हल्का हल्का पोर्शन जो है जब ड्राई हो चुका है, तो आप इंजन गर्म करके पानी को पूरा सुखा सकते हैं। और अगर नहीं भी गर्म की इंजन स्टार्ट कीजिएगा तो अपने आप सूख भी जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इंजन एकदम, ये सब जो है मैंने पूरा क्लीन किया। मतलब मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा हाथ है मेरा, तो मेरी उंगलियाँ नहीं जाती हैं। तो मैंने कपड़े से ही जितना हो सका उतना मैंने क्लीन किया। अगर आप ब्रश यूज़ करेंगे तो आप कोने कोने तक इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस इंजन बे के बारे में था, और भी हम आगे नई वीडियो के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।